हाय गुड मॉर्निंग सत शीक आदाब नमस्कार वनकम कैसे दोस्तों uh, मैंने uh, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि घर घर में बुखार है और क्या ये कोई नया कोविड का वेरिएंट है या कुछ और है तो आज उसी पे बताने जा रहा हूँ जी हाँ ये कुछ और है और हालात ठीक नहीं है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको ऑलरेडी इम्यूनिटी जिनकी वीक है और कोविड के बाद तो खैर बहुत सारी इम्यूनिटी पर असर पड़ चुका है लेकिन जिनको ऑलरेडी बीमारियां हैं शुगर है और साथ में हार्ट प्रॉब्लम्स हैं किडनी प्रॉब्लम्स हैं जो इम्यूनिटी जिनकी काफ़ी वीक है उन लोगों के लिए इस समय बुरी खबर आ रही है और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे अपने रिलेशन में कुछ लोगों को एक साथ ऐसा हो चुका है जान बच गई है क्योंकि सही टाइम पर हमने पकड़ लिया ये जो हर घर में बुखार हो रहा है हर घर में नज़ला जुकाम हो रहा है और बुखार भी तेज है 103, 104 तक जा रहा है ठंड बहुत लग रही है खांसी शुरू हो जाती है सांस फूलता है सांस लेने में दिक्कत हो रही है लेकिन एक गलती जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं और कोविड के बाद भी जो गलती अगर देखो अगर कोविड के बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है आने वाले टाइम में भी दो गलतियां लोग कर रहे हैं एक तो ये कि अगर उनको नजला जुकाम बुखार होता तो वो मास्क नहीं लगाते और पहली चीज़ वो खुद नहीं लगाते हैं मेरे क्लिनिक पे आएंगे बिना मास्क के चले आ रहे हैं खांसे हुए नजले जुकाम के साथ मैं बोलता हूँ मास्क सर आप दे दो मैं क्यों दे दूं भाई क्या ये सारी जिम्मेदारी हमारी है क्या अवेयरनेस की आपको पांच सालों में तीन सालों में कुछ नहीं पता चला है, क्या तो मास्क लगाएं और मास्क लगा के बाहर निकले और कोई आजू बाजू अगर बीमार है तो भाई बच के पहली चीज दूसरी गलती लोग क्या कर रहे हैं घर में अगर बुखार होता है तो ऑक्सीजन चेक नहीं कर रहे हैं अगर आपको बुखार के साथ नजला जुकाम खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो रही है अपनी ऑक्सीजन चेक करते रहें और और एक और बड़ी प्रॉब्लम कोविड के जमाने में जिन्होंने अपने ये लिए थे पल्स ऑक्सीमीटर वो अब तक ज्यादातर लोगों के काम नहीं कर रहे ठीक से ज्यादातर चाइनीज थे पहली चीज तो अपना पल्स ऑक्सीमीटर चेक कर लीजिएगा क्या वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है अगर नहीं कर रहा है तो जाके किसी भी जर्मन कंपनी का एक पल्स ऑक्सीमीटर या इंडियन कंपनी का पल्स ऑक्सीमीटर खरीद लीजिएगा मेरे पास इजी केयर का है डॉक्टर ट्रस्ट का है बहुत अच्छे पल्स ऑक्सीमीटर हैं आप भी जाइए एक अच्छा पल्स ऑक्सीमीटर जो जर्मन कंपनी का हो और या फिर इंडियन कंपनी का हो अच्छा चाइनीज मत दीजिए कि सात आठ सौ का मिल रहा है सर कोई फायदा नहीं होगा आप हॉस्पिटल पहुँचाओगे गलत रीडिंग के चक्कर में तो अपनी ऑक्सीजन जरूर चेक करिएगा मैं सब लोगों से बोल रहा हूँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर आपको फ़ीवर के साथ नज़ला जुकाम खांसी बुखार के साथ अगर गला भी ख़राब है और सांस में दिक्कत हो रही है खांसी में बलगम भी आ रहा है या नहीं भी आ रहा है ऑक्सीजन जरूर चेक करनी है राइट मिडिल फिंगर में लगाना है इसको पल्स ऑक्सीमीटर को और चेक करना है तीस सेकेंड के लिए रुकें और फिर आराम से देखें स्वाइन फ्लू जी हाँ स्वाइन फ्लू है उस बीमारी का नाम जो फैल चुकी है पूरे नॉर्थ इंडिया में और स्वाइन फ्लू कोई कम खतरनाक नहीं है ओमिक्रॉन के आ, कोविड का जो ओमिक्रॉन मैं डेल्टा से कंपेयर तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको बता दूँ हर साल आ, को, आ, स्वाइन फ्लू से मौतें होती हैं हर साल पता नहीं चल पाता है लोगों को पता नहीं चल पाता है क्योंकि कोविड में तो हमने ब्रांडिंग कर दी कोविड के नाम चमका चमका के सरकार हर साल आ, जैसे ही कोविड के केस आने होते हैं तो पूरा डेट रोज आते हैं जी आज इंडिया में इतने केसेस है स्वाइन फ्लू के केसेस क्यों नहीं बताते हो कि आज इंडिया में कितने स्वाइन फ्लू के केसेस आए कोई क्यों नहीं बताता है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एच वन एन वन नाम का एक टेस्ट होता है ज़रूर कराएं अगर आपका बुखार नहीं उतर रहा है तीन चार दिन हो गए हैं बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है खांसी है बलगम है एच वन एन वन नाम का स्वाइन फ्लू का टेस्ट जरूर कराएं पहली चीज जल्दी पकड़ में आ जाएगा तो जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगा क्यों इसकी एक मेडिसिन है एंटी वायरल टेमी फ्लू नाम से जो पिचहत्तर एम जी की हम देते हैं सुबह शाम लेकिन ये तभी दे पाएंगे जब हमें डाउट हो कि हाँ ये स्वाइन फ्लू हो चुका है और टेस्ट की रिपोर्ट में आ जाए तो कोविड का टेस्ट भी कराएं वो ये लोग और स्वाइन फ्लू का जरूर कराएं आज की डेट में कोविड के टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्वाइन फ्लू का टेस्ट है क्योंकि स्वाइन फ्लू में पेशेंट को ऑक्सीजन कम हो रही है मेरे सामने सामने मेरे रिलेटिव्स में लोगों की ऑक्सीजन कम हुई पड़ी है एडमिट हैं हॉस्पिटलों में बेड नहीं है इस समय हॉस्पिटल्स में और आइसोलेशन में रखना पड़ता है एमरजेंसी में बेड नहीं मिल पा रहे हैं ये हालत है मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ और बहुत पेशेंट आ रहे हैं गला खराब करके तो मैं उन लोगों से बोलूँगा जिनको ऑलरेडी बीमारियाँ हैं भाई 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 अगर आप ठीक नहीं हो रहे हो ऑक्सीजन जरूर चेक करते रहें ऑक्सीजन अगर 92 से नीचे जाती है 94 से नीचे जाती है आज समझ जाइएगा कि आपको स्वाइन फ्लू हो गया है काफ़ी हद तक चांसेस हैं इसके बाद क्या टेस्ट होते हैं आपको अपना सी कराना पड़ेगा एच करा लिया आपने एक्सरे चेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है अगर एक्सरे चेस्ट में डाउट होता है तो फिर शायद सिटी चेस्ट भी कराना पड़ सकता है हालांकि क्लिनिकली काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि पेशेंट को निमोनिया हुआ पड़ा है वायरल निमोनिया हुआ पड़ा है ठीक है क्योंकि कोविड में भी बहुत बार सिटी स्कैन हुए हैं तो मैं यही बोलूंगा कि हर किसी का सी स्कैन मत कराएं अगर आप क्लिनिकली डायग्नोस कर लिया है कि स्वाइन फ्लू है और थोड़ा बहुत अगर एक्सरे में आ रहा है अगर उसमें भी आ जाएगा सि स्कैन में भी तो आप ट्रीटमेंट तो आपको सेम ही करना अगर स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आ जाता है तो फिर क्लिनिकली डॉक्टर को देख के कराना चाहिए कि सिटी की जरूरत है या नहीं है इसीलिए ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है स्वाइन फ्लू शुरू में ही करा लें क्योंकि अगर आप पाँच सात दिन के बाद टेस्ट कराते हो फिर टेमी फ्लू जो मेडिसिन है उसका रोल खत्म हो जाता है फिर वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती है देना कोई इसको तो इसीलिए जल्दी और इसमें भी स्टेरायड का रोल है बिल्कुल है और आ, मैंने अभी जो स्टेरायड शुरू किए हैं कुछ पेशेंट्स को लेकिन बिना डॉक्टर से पूछे मत करें शुगर बढ़ जाती है फिर शुगर भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है तो कुल मिला स्थिति बिल्कुल इस समय कोविड जैसी है हालात बिल्कुल कोविड जैसे हैं वो बात अलग है कि कोविड का एक नाम था कोविड एक ब्रांड बन चुका था और डर लगता कोविड के नाम से लेकिन सर उसका ये जो भाई है ना स्वाइन फ्लू ये पिछले दस सालों से आंत तक मचा रखा है हर दो तीन साल बाद इसके केसे इतने ज़्यादा आते हैं जो मैं बता नहीं सकता हूँ जो ठंड इतनी लंबी बड़ी है उसकी वजह से ये वायरस काफ़ी इस समय आं तक बचाए हुए है मुझे तो खाली दिल्ली एनसीआर का पता है बाकी जगहों पे नॉर्थ इंडिया में कैसा रूप चल रहा है इस वायरस का मुझे नहीं पता है अगर आपको लगता है कि आपके आजू बाजू भी इस तरह के पेशेंट हैं और नज़ला जुकाम हो रहा है तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि आप लोग बच के रहें थर्मामीटर घर में रखें पाल्सऑक्सीटो घर में रखें बी पी घर में रखें ये ती, तीन चीज़ें जरूर चेक करें: टेम्परेचर क्योंकि बी पी लो है तो वो भी खतरनाक है टेम्परेचर ब्लड प्रेशर और पाल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन और चौथा ग्लूको ग्लूकोमीटर जिनको शुगर है उनको ग्लूकोज भी चेक करनी पड़ेगी शुगर भी चेक करनी पड़ेगी तो इसलिए ये जो हम लोग इस समय जगह जगह लोग खांसते नजर आ रहे हैं मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा भाई मास्क लगा लो मास्क लगा लो मास्क लगा लो अगर आजू बाजू कोई है और ख़ुद को अगर है हम तो इतने सेल्फिश है ना हमको खुद को का तो हम नहीं लगाएंगे दूसरे को देखेंगे ऐसे खांस रहा है हम दूर हो जाते हैं जब तुम्हें खांसी आती है ये वही है जैसे आप ट्रैफिक में लाइट तोड़ देते हो सिग्नल की और जब दूसरा कोई तोड़ता है आपके सामने आ जाता है तो आप उसको गाली देते हो लेकिन फिर आप ही उस रेड लाइट को तोड़ के आगे जाते हो जिंदगी यही है हम लोग सब सेल्फिश हो चुके हैं हम इंडियन शायद बहुत सेल्फिश हो चुके हैं रूल्स रेगुलेशन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं लेकिन ये जिंदगी का ट्रैफिक है भाई इसका सिग्नल तोड़ोगे तो सीधा ऊपर जाओगे समझ जाओ आप खुद नहीं जाओगे दूसरों को लेके जाओगे और दूसरों को लेके जाने में वो आपके घर वाले भी हो सकते हैं आपके माँ बाप भी हो सकते हैं आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं आपका यार दोस्त भी हो सकता है आप खुद फैलाओगे स्वाइन फ्लू और स्वाइन फ्लू भी उतनी ही तेज़ी से फैल रहा है जितना कोविड फैला था उसका नाम कोविड था वो चाइना का माल था वो एक ब्रांड था जिसकी कोई मेडिसिन नहीं थी या फिर भी मेडिसिन एंटीवायरल और एक बात बताऊं इसको फैलने से बचाना है हर साल इंजेक्शन आपको स्वाइन फ्लू का वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए और जिसको एक बार हो गया उसको तो जरूर लगवानी चाहिए ठीक है तो थैंक यू वेरी मच और स्वाइन फ्लू की वैक्सीन इस समय हर साल स्ट्रेन चेंज होते रहते हैं जो लेटेस्ट स्ट्रेन आए हैं चार या पाँच जो भी है तो उसकी कॉस्ट करीब करीब अलग अलग कंपनी की बारह तेरह से लेकर अठारह के बीच में कॉस्ट है और साल में एक बार लगवानी है स्पेशली जो लोगों को बीमारियां हैं जिनकी उम्र पैंसठ साल से ऊपर है उनको तो ज़रूर लगवाएं स्वाइन फ्लू की वैक्सीन ठीक है थैंक यू वेरी मच शुक्रिया शब्बा खैर और मेरी है सिर्फ खैर जैकेट कैसी लग रही है पता नहीं पर बनियान दिखाई दे रही है अंदर से इसका मुझे पता चल रहा है इसीलिए मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना बाबू मशाए जिंदगी का पता नहीं है इस कोविड में कितने लोग चले गए लेकिन हम कभी सीख नहीं पाए अपनी गलतियों से कि हमें अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना है हम आज भी वैसे ही बाहर का खाना खा रहे हैं हम आज भी वैसे ही ऐश कर रहे हैं आज भी वैसे वीकेंड मना रहे हैं आज भी होटलों के चक्कर काट रहे हैं और फलाने रिजॉर्ट पे रुकने के लिए जाएंगे छुट्टियों में इधर वीकेंड आता है इधर लॉन्ग वीकेंड आता है इधर बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं क्योंकि आप लोगों के लिए मस्ती ज़्यादा ज़रूरी है इम्यूनिटी कम तो अपनी मिनटी पे ध्यान दीजिएगा बाबू मोशाए बस इतना ही कहना चाहता हूँ चलता हूँ बहुत पका दिया जाते जाते